नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं दलसिंहपाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के गोपाल बहादुर बस्ती क्षेत्र से, जहां पे हाल फिलहाल में यहां पे ब्रिज एवं कनेक्टेड जो सड़क है उसका निर्माण किया गया था। आपको बता दें 2022 में भारी बारिश में इस क्षेत्र में काफ़ी तबाही मचा था, सड़क कट चुका था एवं यहाँ पे तत्कालीन यहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत थी। और आपको बता दें कि बाद में कुछ समय बाद में हाल फिलहाल में ही इस क्षेत्र में यहाँ पे पुल का निर्माण हुआ एवं सड़क का मरम्मत का भी कार्य हुआ, लेकिन आज का जो दृश्य आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं ये कुछ अलग नहीं है। जो पहले जिस तरह का यहाँ पे बर्बादी हुआ था, जिस तरह से यहाँ पे विनाश हुआ था, वैसा ही मंजर एक बार फिर से देखना शुरू हो गया है। और महज अभी बारिश का दिन शुरुआत ही हुआ है और यहाँ पे एक बार फिर कटाव होना शुरू हो गया है। यहाँ पे बर्बादी यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पे क्षति पहुँचा है। और आपको बता दें, स्थानीय लोगों का बताना है कि इस क्षेत्र में ये जो पुल एवं सड़क का निर्माण हुआ है, करीबन 56 लाख रुपए लागत से इस क्षेत्र में ये निर्माण का कार्य हुआ है। और उसका दृश्य आप देखें कि हल्की बारिश, अभी जस्ट बारिश का दिन शुरू हुआ है और किस तरह से एक बार फिर यह कार्य जो है जवाब देना शुरू कर दिया है। और यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस बारिश का दिन यह झेल पाएगा। अभी बारिश का सीजन जस्ट शुरू हुआ है, महज शुरुआत है। और एक बार फिर इस क्षेत्र में वही मंजर देखने को मिल रहा है। चलते हैं अधिक जानकारी के लिए, हम लोग सीधे बातें करते हैं इस क्षेत्र के यहाँ के स्थानीय निवासियों से और आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करते हैं। दर्शकों, अभी तक बरसात शुरू नहीं हुआ, एक दो दिन बारिश हुआ, उसमें से क्या हालत हो गया? अभी तो मतलब ये रिसेंटली बनाया, अभी ये पुल मतलब 8-10 साल के बाद में बनाए। और देखिए मतलब इतना जल्दी इसका ख़त्म होना, ये देखिए रोड का फोटो खींच लीजिए। और यहाँ पर वो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं किया सबसे पहले तो, मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होने के कारण में इसमें मतलब पानी का बहुत ज़्यादा फोर्स से आता है, फोर्स की वजह से होने के कारण अभी मतलब यहाँ का हालत बहुत गंभीर है। अभी इतना टाइम तक में मतलब ऐसा हालत है, तो फिर आगे का समय में कैसा होगा? जब बाढ़ आएगा, उसी टाइम में जला गया था पिछला साल, और एक साल तो बर्बादी हो गया। उस टाइम पे हमको कितना दिक्कत हुआ था वो हमको ही पता है। देखा जा रहा है कि सड़क वगैरह भी पूरा टूट फूट पड़ा हुआ है जी। मतलब इसमें तो शायद सामान का ही कोई दोष होगा या फिर पानी का दोष होगा, ये तो हम नहीं बोल सकते, जिसने कॉन्टेक्ट लिया है वही बोल पाएगा। कितना का काम हुआ है? ये 56 लाख कितना थाउजेंड था, 56 लाख का काम है। कितना वर्ष काम बाद ये काम आया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर 8-10 साल बाद, 8-10 साल बाद काम आया हुआ। पर काम का अवस्था कितना कैसा है, लगता है क्या अवस्था? हालत तो अभी गंभीर है, बहुत गंभीर है। क्या लगता है, ये बारिश टिक पाएगा? ये तो बारिश, इस साल का बारिश झेल सकता है लेकिन अगले साल का नहीं झेल पाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम माधव शर्मा, दलसिंहपाड़ा गोपाल बहादुर बस्ती।